हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश इंपॉर्टेंट रिडक्टेड क्लास 10 एमबी बोर्ड 2020 की परीक्षा के लिए। इसके पहले हम पार्ट वन में बहुत सारे रिडक्टेड पर डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट टू में भी हम बहुत सारे रिडक्टेड पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे टिप्स एंड तरीके इन्हें हल करने के। ठीक है, तो पहला जो रिडक्टेड देखते हैं हमारा पहला है ही लाइक्स एंड वीडियो और उसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। अब देखिए, क्वेश्चन टैग बनाना बहुत सिंपल होता है। एक बार अगर आप समझ गए तो आपको कभी भी क्वेश्चन टैग बनाने में समस्या नहीं होगी। तो देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के कुछ नहीं करना है, आपको आंसर में जैसा का वैसा सेंटेंस लिख देना है। उसके बाद में आपको दो बातें याद रखनी है। पहला तो आपको लगाना है कॉमा, उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप कहां से लेंगे? आपको सेंटेंस से ही हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब आप कहेंगे कि सर इस सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे? जब दिया नहीं है तो आपको लगा देना है सेंटेंस के हिसाब से। देखिए, डू डस डिड का प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया है लाइक्स और जहां पर भी लाइक्स यस यस लगा रहता है मेन वर्ब में वहां पर हम क्या लगाते हैं? वहां पर हम लगाते हैं डस। ठीक है, डस लगा देंगे हम। उसके बाद में आपको लगाना है एनटी। दूसरी बात आपको याद रखना है एनटी लगाना है। उसके बाद में जैसा का वैसा जो हमारा सब्जेक्ट है उसको जैसा का वैसा पीछे लिख देना है। अब आप अगर नहीं समझे तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर में आप समझ जाएंगे। देखिए इसका आंसर है ही लाइक स्वीट। देखिए, हमने जैसा का वैसा सेंटेंस सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद हमने लगाया कॉमा, उसके बाद हमने यस ई एस लगा है तो किया डजंट का प्रयोग और इसके बाद जो है ही। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो आप दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरे में दिया है शी वर्क्स हार्ड, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएगा? सबसे पहले सेंटेंस जैसा का वैसा लिख देंगे, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद जो है यस यस लगाया तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? डस का। और डस के बाद हम लगाएंगे एनटी और एनटी के बाद जैसा का वैसा हमारा जो सब्जेक्ट है उसको जैसे का वैसा पीछे लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए आप। शी वर्क्स हार्ड, जैसा का वैसा हमने सेंटेंस लिखा। ठीक है, कॉमा लगाया हमने यहाँ पर जैसा का वैसा, डजंट वो यस यस लगा है तो हमने डजंट का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। बहुत सिंपल होता है, एक बार समझ गए आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला हमारा राजेश बहुत तो काऊ, इसको इंटरगेटिव बनाना है। अब इंटरगेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखिए। बस सेंटेंस के आगे डू डिड का प्रयोग करना है और बीच में जो वर्ब दिया है उसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आ जाना है। मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाना है, डू डट डिस का प्रयोग और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाना है इंटरगेटिव बनाते समय। अब आप कहेंगे कैसे सर? तो देखिए, सबसे पहले डू डट डिस का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कहाँ पर करते हैं। जहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म दी हो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डिड का। जहाँ पर भी वर्ब की जहाँ पर भी मेन वर्ब में यस यस लगा हो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डस का। और जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो या यस यस ना लगा हो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं किसका? डू का। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए राजेश बाउ तो काऊ, अब देखिए बाउ जो है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डिड का। तो इसमें हम सबसे पहले तो डिड लगा देंगे, उसके बाद में जो है सेंटेंस को लिख देंगे राजेश जैसा का वैसा, उसके बाद बाउ को अपने फर्स्ट फॉर्म में लेकर आ जाएगा। मैंने आपको कहा था इंटरगेटिव बनाते समय जब आप डू डिड का प्रयोग करें तो जो भी वर्ब हो आपका मेन वर्ब उसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर जाए। तो बाउथ का फर्स्ट फॉर्म बनेगा बाय और काऊ उसके पीछे जैसे का वैसा और पीछे क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव बनाते समय क्वेश्चन मार्क का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। अगला देखिए, जैसे ही डिड लगाया हमने, राजेश जैसे का वैसा लिखा, बाउथ का कर दिया बाय, अकाऊ और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, इसको हमें बनाना है इंटरगेटिव। अब देखिए इसका इंटरगेटिव बनाने के लिए इसका भी वही सिंपल फंडा, डू डट डिड का प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है प्ले, प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, यस में यस 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 या यस नहीं लगा है। अब इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। ठीक है, तो डू लिख देंगे, फिर उसके बाद दे जैसा का वैसा, प्ले अपने फर्स्ट फॉर्म में तो उसको फर्स्ट फॉर्म में रहने देंगे, क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड देखिए जैसा का वैसा, और आखिरी में जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुत सरल होता है इंटरगेटिव बनाना। आप अगला देखते हैं हमारा द टू फ्रेंड्स पाउट फॉर्म, द टू फ्रेंड फाउंड पॉट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल थाउजेंड गोल्ड मोहर, उसको कंबाइन करना है हमें विच से। अब विच से कंबाइन करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट सेंटेंस जैसा का वैसा लिखिए और विच लगा दीजिए, दूसरे सेंटेंस को जस्ट के पीछे लिख दीजिए, आपका सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस हमने जैसा का वैसा लिखा पॉट तक, उसके बाद हमने लगाया विच और विच के बाद हमने लगाया कॉन्टिनेंटल थाउजेंड गोल्ड मोहर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज़ अ वेरी काइंड। ठीक है, इसमें अभी बिकाउस से जोड़ना है, तो ये तो आप सभी को पता है। पहला सेंटेंस जैसे का वैसा लिखिए, उसके पीछे बिकाउस लगाइए, दूसरा सेंटेंस जैसे उसके बाद में लिख दीजिए, ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, अगला द सपोर्टेड मी, दे सपोर्टेड मी चेंज इनटू नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट डज नॉट डिड नॉट। ठीक है, अब आपको पता है डू नॉट डज नॉट डिड नॉट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म दी हो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डिड नॉट का। जहाँ पर भी वर्ब फॉर्म में यस यस ना लगा हो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डू नॉट का। और जहाँ पर भी वर्ब में यस यस लगा हो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं डज नॉट का। ये आपको याद रख लेना है, कहीं पर लिख लेना है, ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है,
अब देखिए दे लिखा, अब देखिए सपोर्टेड दिया है जो कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, मतलब दोनों भी है, सपोर्टेड दोनों ही है, सेकंड भी है थर्ड भी है। अब इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का, तो डिड नॉट लगा दिया, सपोर्ट को अपनी फर्स्ट फॉर्म में वापस, और मेसा का वैसा, और इसको फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा इट इज़ अ फैक्ट मोस्ट स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड इंग्लिश, और इसमें हमें प्रयोग करना है दैट का, जो कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण छपा नहीं है। ठीक है, दैट का प्रयोग करना है। अब दैट के प्रयोग में भी कुछ नहीं करना है, कंबाइन करना है दैट से, तो पहला सेंटेंस जैसे का वैसा लिखिए। ठीक है, और दैट से जोड़िए, इन दैट से दूसरा जोड़ दीजिए सेंटेंस को, देखिए दैट लगा और दूसरा सेंटेंस जैसे उसके बाद पीछे लिख दीजिए और इसे फुल स्टॉप करके बंद कर दीजिए। लेकिन इस सेंटेंस में आपको एक बात ध्यान रखनी है, कंबाइन वाले सेंटेंस में आपको जो पहला भी आप लेटर लिखोगे उसे आपको कैपिटल लिखना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अब याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर दिया है रोहित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेक अ क्वेश्चन हु से हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए हु से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हु एक WH वर्ड है और इंग्लिश में WH वर्ड जो है सबसे पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हु जैसे का वैसा लिख देंगे, उसके बाद में जो है हु का मतलब होता है कौन, कौन मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम क्वेश्चन क्या बताएंगे कि कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये बन जाएगा आपका, और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अगला है हमारा मिस्टर कुमार लिव्स इन भोपाल, और इसमें हम प्रयोग करना है वेयर का। अब देखिए वेयर में भी आपको कुछ नहीं करना है, वेयर में आपको स्थान गायब कर देना है। हु में हमने क्या गायब किया था, हु में हमने किसी का नाम सब्जेक्ट गायब कर दिया था। ठीक है, वेयर में आपको स्थान गायब कर देना है। अब सबसे पहले तो वेयर WH वर्ड है, सबसे पहले इसको लगा देंगे, तो वेयर को हमने सबसे पहले लगाया WH वेयर। ठीक है, उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि देखिए अगर आप हमारा सेंटेंस देखेंगे तो इसमें इस जो है हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा था सेंटेंस में, तो हमने लगाया नहीं, लेकिन इसमें जो है इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें दिया ही नहीं है, और जब नहीं दिया यहाँ रहता तो हम किसका प्रयोग करते हैं डस डू और डिड का। अब देखिए मिस्टर कुमार लिव्स, देखिए यहाँ पर यस होना चाहिए था लिव्स, और यहाँ पर यस होना चाहिए था जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण छपा नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर कुमार लिव्स इन भोपाल है, अब क्योंकि मिस्टर कुमार दिया है तो यहाँ पर लिव्स होना चाहिए, क्योंकि हिशियर या किसी का नाम हो तो यहाँ पर लिव्स आता है। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। हम अब अगला इसमें ही देखेंगे, सबसे पहले तो हमने वेयर लगा दिया, अब देखिए यस यस लगाया तो हम किसका प्रयोग करेंगे डस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डस का, तो डस का हमने प्रयोग कर दिया, उसके बाद में जो है मिस्टर कुमार लिव वैसा का वैसा, और भोपाल हमने स्थान गायब कर दिया। अब इन भी इसके साथ जो है इसकी प्रीपोजिशन भी गायब हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा आई लिव इन मंदसौर। ठीक है, आई लिव इन मंदसौर मेक क्वेश्चन वेयर, अब इससे वेयर बनाना है। सबसे पहले तो हम वेयर को पहले लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर जो वर्ब दिया है वो मेरी फर्स्ट फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म के लिए, हम लगाते हैं डू का प्रयोग, डू। अब आई की जगह यू हो जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो ये हो जाएगा यू हमारा, आई की जगह यू, और लिव वैसा का वैसा, और मंदसौर गायब हो जाएगा, उसके साथ उसकी प्रीपोजिशन भी गायब हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा द वन हैव दे मैच और मीनिंगफुल सेंटेंस, इसका हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जोड़ जोड़ के। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है दे, ठीक है, दे यानी वे होता है, ठीक है दे। उसके बाद में हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर हैव दिया है हमें हैव, तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह हैव। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है हमारा वन दिया है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे वन मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जो अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या बच गया हमारे द और मैच बच गया, तो सबसे पहले द उसके बाद में मैच। तो इस प्रकार से हमारे डुअल डायरेक्टेड का ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने 12 डुअल डायरेक्टेड पर कोशिश मतलब डिस्कस की, इसके बाद भी जो है हम मॉडल पेपर में आपको डुअल डायरेक्टेड बताते रहेंगे, जिससे जो आपकी परीक्षा में तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए फ्री होम एजुकेशन को, क्योंकि आप हमें कमेंट करते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है अगली नई वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।